बैठ जाएं आप सभी। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ये अंदर जाने की प्रक्रिया है। हमारे अंदर जो शून्य आकाश है, यहाँ पर हृदय के मध्य में एक बिंदु है, उस बिंदु के अंदर जब ध्यान में जाएंगे तो लगेगा कि एक आकाश है, शून्य आकाश, अंधकार है। उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया है ध्यान। ध्यान घटता है और जब ध्यान घट जाए तो आप अपने उस शून्य आकाश में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही वो सब प्रकाशित हो जाता है, परमात्मा का प्रकाश बरसने लगता है। उसके पहले की एक प्रक्रिया है खोने की प्रक्रिया, अपने आप को डुबो देने की प्रक्रिया। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले एक मिनट ओम भ्रामरी करना है। ओम 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 एक दो मिनट ओम भ्रामरी करने से हमारे शरीर की नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं, पूरे शरीर की, क्योंकि इसका जो भ्रामरी जो नाद है वो हमारे मस्तिष्क को सक्रिय कर देता है, मस्तिष्क से हमारी सारी नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। ये करने के बाद एक मिनट तक शांत बैठ जाइए। अपने मन को स्थिर कर लें
जो नाड़ियां सक्रिय हो गई हैं उन्हें शांत होने दें। अब शांत हो जाएं, अंदर से शांत। आंख खुली हो या बंद हो, ये भाव पर निर्भर करता है। अगर प्रक्रिया को समझना हो तो आंख खुली रखें, अन्यथा आंखें बंद। अब हमें बैठे बैठे ये भाव लाना है कि हमारा शरीर निष्क्रिय होता जा रहा है, शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, श्वासों का आवागमन धीमा हो गया है, पूरे शरीर की प्राण शक्ति हृदय में आकर विराजित हो गई है। शरीर निष्क्रिय निस्तेज हो गया है। अब ये शरीर शव बनने की प्रक्रिया में है, क्योंकि प्राण इस शरीर से अब बाहर निकल रहे हैं। अब ये शरीर शव बन गया है। भाव लें कि ये शरीर शव के रूप में स्थिर हो गया है, आप लेट गए हैं। लेटने के बाद आपका शरीर निष्क्रिय निस्तेज, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, शव बन गया है शरीर, और प्राण शक्ति के रूप में आप इस शरीर से बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब आप बैठ गए हैं और शरीर आपका सामने पड़ा है शव के रूप में। आप कारण शरीर हैं, कारण शरीर शरीर से बाहर आ गया है, दृष्टा भाव में आ गया है, और शरीर निस्तेज पड़ा है हमारे सामने।
हम उसे देख रहे हैं, दृष्टा बने हुए हैं। ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, बेजान शरीर शव की तरह पड़ा है। हम दृष्टा भाव में उसे देख रहे हैं। और अब हम भी शव बन रहे हैं। इसी स्थिति में अपने आप को खोने की कोशिश करें, अपनी सुध-बुध खोने की कोशिश करें। अब शव को आप देख रहे हैं, उसको और निस्तेज हो जाने की प्रक्रिया तक। अब वो शांत है, कोई हलचल नहीं। आपके अंदर भी कोई हलचल नहीं। अब आप शव की प्रक्रिया में अपने आप को खो दें। अब दृष्टि भी नहीं है, आप शव बन गए। इस शब्द को जो देख रहा है वो आप नहीं है। इसीलिए कोई हलचल नहीं है। देखने वाला देख रहा है, शरीर में कोई हलचल नहीं। शांत, आप शरीर से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। जागरूक हैं, अपने चारों ओर की हलचल को महसूस कर रहे हैं। और शव को भी देख रहे हैं।
कुछ मिनट तक इसी भाव में रहें, शरीर में कोई क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, निस्तेज, लेकिन कारण शरीर उसको देख रहा है। से 7 मिनट उसी भाव में रहे। अब आप शिथिल होते जा रहे हैं उसी भाव में। शरीर में तेज ही नहीं है तो हलचल नहीं होना चाहिए। कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, कहीं आपका ध्यान नहीं है। शव की तरह लेटे हुए हैं, कोई और आपके शव को देख रहा है। शव हैं लेकिन सोए हुए नहीं है। आप शव को देख पा रहे हैं। देखेंगे कैसे? प्राण शक्ति के रूप में आपका कारण शरीर आपके शरीर के बाहर आ गया है, वो देख रहा है सारी हलचल। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई भाव नहीं, शव कर ही क्या सकता है? प्राण तो उसके बाहर आ गए। रहे लेटे रहे, ढीला छोड़ दें शरीर को एकदम स्थिर। कोई बंधन नहीं शरीर में, जैसी चाहे वैसी स्थिति में बैठे। जो हो रहा है होने दें। लेटने का मन कर रहा है लेट जाए वही, लेकिन भाव शून्य होना है, क्रिया शून्य होना है।
अपने भाव में केंद्रित हो जाएं, लेकिन 7-10 मिनट में आप महसूस करेंगे कि मेरा अंदर से मैं शांत हो गया, मेरा चित्त शांत है, मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं है, मैं शांत चित्त शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप हूँ। अब मैं देख रहा हूँ, देखने वाला तो कोई और है, आप तो शांत हैं, शव की स्थिति में हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, कोई क्रिया नहीं है, लेकिन जो दृष्टा है, जो देख रहा है, वो चारों ओर क्या देख रहा है? आंखें खोल के जो देखने वाला है, वो देख रहा है नदी है, पहाड़ है, वृक्ष हैं, नदी बह रही है, शोर हो रहा है, उसका नाद चल रहा है, नदी नदी के पीछे पहाड़, पहाड़ पर वृक्ष, ये पत्थर। अब इनके साथ अपने को लय कर लेना है, शांत चित्त, शरीर में कोई क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन जो दृष्टा है, उस दृष्टा ने भाव से अब इस शव को के साथ अब आप आत्मसात हो जाएं और भाव के साथ आप मेरे पास आ जाएं, इस नदी में आ जाएं। अब आप अपने आप को इस नदी में छोड़ दें, शव को अगर नदी में छोड़ देंगे तो क्या होगा? शव इस बहाव के साथ, नदी के साथ चलने लगे, जाने दें। ध्यान में बैठे हैं, शरीर शव हो गया है और इस शव को इस नदी के बहाव के साथ छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जो करना है इस नदी को करना है, आप बह रहे हैं, बह जाएं। जहां नदी जा रही है जाने दें, जाने दें, बस बहते रहें इस नदी में। भाव ये है कि अब मैं, मेरा शव इस नदी में बह रहा है और दृष्टा भाव से देख रहा है। अब मैं उस बहनेपन को महसूस कर रहा हूं, कोई और विचार ही नहीं, कोई और क्रिया ही नहीं, कोई और भाव ही नहीं, बस बह रहा हूं इस नदी में। जहां नदी ले जाए, ये नदी का बहाव। अब आप जल में ऊपर बह रहे हैं, शांत होते जाएंगे, तल होते जाएंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, करने की स्थिति भी नहीं है। शव क्या कर सकता है नदी में? जहां नदी ले जा रही है जाने दें, छोड़ दें अपने आप को, इस समर्पण का भाव है।
है, नदी को करना है, अब जो करना है इस बहाव को करना है। आप तो नदी में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, जहां ले जाए, जहां टकराए, जो करे, जैसे करे, आप तो शांत चित्त भाव से नदी के साथ बह रहे हैं। ये शव की मुद्रा में हम नदी में बह रहे हैं। किसी तरह की कोई हलचल नहीं। बहने का आनंद लीजिए, बहनेपन में हो जाइए। अब आप बहाव हो गए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, देख रहे हैं शरीर बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। अब नदी के साथ एक रूप हो जाएं और अपने आप को बहने दें। बहने पन में खो जाएं। जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। जहां नदी ले जा रही है, जा रहे हैं। और भाव ही नहीं, शब को भाव तो आ ही नहीं सकते। प्राण शक्ति तो उसके बाहर आ गई है, देखने वाला तो कोई और है। बह जाए, बहते बहते ये शरीर शीतल हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, ये शरीर हल्का हो रहा है, हो गया है। शव तो बह रहा है जल के ऊपर, एकदम हल्का पन महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं ये शरीर बहे जा रहा है, हल्का हो गया है, शांत हो गया है, शीतल हो गया है। जल हो गया है, नदी हो गया है। निस्तेज क्रियाहीन बात के 10 मिनट तक बह रहे हैं। कोई और भाव ही नहीं, बस बहने पन में हो जाए, बहना पन हो जाए आप।
बहते रहे बहते रहे बहते रहे। आपको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, नदी को पता है कहाँ जाना है, नदी को उस महासागर में विलीन होना है। अब जो करना है नदी को करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बहना है उस नदी के साथ, बहना है जहां नदी ले जाए, और नदी को परमात्मा जहां ले जाए, जैसे जैसे ले जाए। जल परमात्मा का स्वरूप है, आप उसमें लीन हो गए। देखने वाला देख रहा है, शीतलता महसूस कर रहे हैं, दिया है समर्पण, समर्पण कर दिया है इस शरीर को, इस नदी पूरी तरह से समर्पण, 100% समर्पण, कोई छटपटाहट नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बाहर निकलने का भी कोई भाव नहीं, छोड़ दिया है 100% समर्पण इस नदी में। अब नदी अपना काम कर रही है, आपको बहाए ले जा रही है उस विराट उस महासमुद्र की ओर। नदी और आप, नदी का बहाव और आप, तेज हवाएं,
तेज बहाव, ये शोर, इस सब से बेखबर बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, हवाओं से बेखबर, शोर से बेखबर, इन लहरों से बेखबर, बस बहना है, बहना है, बहते जा रहे हैं। अब नदी ने आपको एक किनारे लाकर छोड़ दिया है। नदी शवों को महासागर में नहीं ले जाती, बीच में ही उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। आपके शव के साथ कारण शरीर भी साथ है, इसलिए नदी ने अब आपको किनारे छोड़ दिया है, किनारे छोड़ दिया है, शव है, किनारे आ गया है। अब आप जो दृष्टा हैं, अब आप शव के साथ एक रूप हो गए, खड़े हो गए हैं, शांत, शीतल, शीतल मन के साथ चैतन्य अवस्था में। अब इस शरीर को तेज, तेजोमय हो गया है ये शरीर, नदी की जीवनी शक्ति इस शरीर में आ गई है। इस शरीर स्वस्थ हो गया है, चैतन्य हो गया है। हिमालय से निकली नदी जड़ी बूटियों से युक्त जलधार में बहने से आपके शरीर में स्वस्थ हो गए हैं, चैतन्य हो गए हैं, तेजोमय हो गया है ये शरीर, ऊर्जावान हो गया है, शांत हो गया है, तनाव रहित हो गया है। अब आप अपने स्वरूप में पुनः स्थित हो जाएं। दो यात्राएं कर ली, पहली यात्रा में आप शव बनने की प्रक्रिया में रहे, निस्तेज हो गए, सारी ऊर्जा, सारी
सब शरीर से बाहर हो गई, खाली हो गए पूरी तरह से, आप शव बन गए, कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया नहीं, सारी प्राण शक्ति शरीर से बाहर, आप दृष्टा होके चैतन्य भाव से 10 मिनट तक शव बनकर रहे, सारी शक्तियां शरीर से बाहर खाली, शून्य आकाश में भी खाली, मस्तिष्क में ओम भ्रामरी के बाद जो सक्रियता हुई और जो शव बने, तो मस्तिष्क के तनाव और विचार भी शून्य हो गए। दूसरी यात्रा में जब आप नदी के साथ बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, समर्पण कर दिया अपने आप को इस नदी को, परमात्मा के इस स्वरूप को, नदी ने आपको एक लंबी यात्रा करा दी, उसने आपको शीतलता दी, चैतन्यता दी, शक्ति से भरपूर हो गए आप बाहर निकलने के बाद, अब अपने स्वरूप में आ गए, अब आप चैतन्य हैं, आनंद हैं, शीतलता है शरीर के अंदर, कोई विचार नहीं, खाली होने के बाद जब शरीर में शक्तियां आती हैं, उन शक्तियों में विकार नहीं होता है, अब आप आनंद की स्थिति में आ जाएं, अब आप आनंद के भाव में डूब जाएं, अब आप खाली हो गए हैं, सोचें कि अभी ये शव को जीवन मिला है, खाली है, अंदर से खाली, चैतन्य आनंद स्वरूप, अब अपने जीवन को देखें, चारों तरफ जो जैसा है उसे भर लें, जो जैसा है उसे आत्मसात कर लें, ये शोर हो रहा है होने दे, ये वृक्ष हवा चल रही है चलने दे, जो भी घट रहा है घटने दें, नए विचार आ रहे हैं आने दें, किसी का विरोध नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अब प्रभु ने ये जो नया जीवन दिया है इसमें जो भी है जैसा भी दिया है मुझे आत्मसात करना है, जो भी स्थितियां हैं परिस्थितियां हैं, ये पत्थर है, ये जल है, ये वृक्ष है, ये शोर है, ये शाम का वातावरण है, ये हवाएं हैं, ये पानी की बूंदें बरस रही हैं, बरसने दो, मैं तो आनंद में हूं, ये बूंदें बरस रही हैं बरसने दो, हवा चल रही है चलने दो, नदी का शोर हो रहा है होने दो, मुझे इस जीवन में जो भी कुछ है उस जीवन को स्वीकार करना है, अपने आनंद को कम नहीं करना है, ये जो मुझे चेतनता मिली है, चैतन्यता मिली है, जो मुझे आनंद मिला है, नया जीवन मिला है, अब मुझे इस जीवन को जीना है, अब मुझे अपने अंदर जाना है, अंदर तो सब खाली हो गया है, शव बनते ही सब खाली हो जाता है, सारे विकार शून्य हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं शव की यात्रा में, तो वो 10 मिनट के जो शव की यात्रा थी, विचार शून्य, विकार शून्य, दृष्टा भाव से देखते रहे, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, और उसके बाद अपने आप को समर्पित कर दिया इस नदी में, इस जल में, इस बहाव में, अब अंदर से खाली हो रहे हैं आप, अब बहाव में बहे जा रहे हैं, नदी आपको ले गई,
जहां ले गई जैसे ले गई, अंदर बाहर दोनों खाली हो गए और नदी ने आपको एक किनारे छोड़ दिया, छोड़ दिया। उसके बाद जब आप खड़े हुए, खड़े होने का मतलब चैतन्य हुए, एक नवीन ऊर्जा से शरीर भर गया है, महसूस करें, भाव करें कि शरीर में एक नई ऊर्जा समाहित हो गई है, अंदर सब खाली है, मस्तिष्क खाली है, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, अभी उठकर आए हैं, अब अपने चारों ओर देखो, अपने जीवन को देखो, क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसको आत्मसात कर लो, उसे स्वीकार कर लो। ये नदी, ये शोर, ये वृक्ष, ये हवा, ये पानी की बूंदे, ये पत्थर, जैसा है जो भी आपको मिला है, अब आपके आसपास जो है ये प्रारब्ध है कि आपको जो मिला है उसे स्वीकार कर लो, आनंदमय होते हुए स्वीकार कर लो। अभी धूप होती तो धूप को स्वीकार करते, शाम है तो शाम को स्वीकार करो, गर्मी होती तो गर्मी को स्वीकार करो, सर्दी है तो सर्दी को स्वीकार करो, आपको कुछ नहीं हो रहा है, शरीर आनंदमय है, विचार आ रहे हैं आने दो। जब मैंने स्वीकार ही कर लिया है तो फिर कोई परेशानी ही नहीं, कोई तनाव ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लिया है। अब हम कुछ देर आनंद में बैठे हैं, अंदर से खाली, ऊर्जा से भरपूर, और जो भी है हमारे आसपास, जो भी जीव है, जगत है, सबको मैंने स्वीकार कर लिया, अब मैं उसे अपने अंदर ले जा रहा हूं। मेरे अंदर जो शून्य आकाश है, मेरे हृदय के मध्य में जो बिंदु है, अब वो बिंदु विशाल बिंदु है, अब मैं सब कुछ उसके अंदर ले जा रहा हूं। अब ये नदी का नाद है, इसे मैं अपने अंदर ले जा रहा हूं। अब ये नदी मेरे अंदर बहने लगी है, मेरे शरीर के अंदर इस नदी का प्रवाह हो रहा है। इस नदी का जो नाद है ये मेरे अंदर नाद कर रहा है, ये जो बाहर का प्रकाश है ये प्रकाश मेरे अंदर जा रहा है। मैं तो वैसा ही बैठा हूं, ये शरीर तो कोई क्रिया ही नहीं कर रहा है, शरीर तो बस बैठा हुआ है, क्रियाहीन, विचारहीन, विकारहीन, भाव से जाएं, भाव से अंदर जा रहा है। जो कारण शरीर है, जो शव था तब शरीर के बाहर था, बह रहा था तब वो उसको दृष्टा भाव से देख रहा था, अभी भी वो दृष्टा भाव से देख रहा है इस नदी को अपने अंदर जाते हुए। अब थोड़ी देर इस नदी को अपने अंदर बहने दें, रग रग में बहने दें, रोम रोम में बहने दें इस नदी को, उसकी शीतलता को अनुभव करें, उसकी एक एक बूंद को अपने शरीर के अंदर अनुभव करें, रोम रोम में उस नदी को बह जाने दें, आत्मसात कर लें इस नदी को। जैसी है शीतल है, जैसी है इसका रंग देखें, हरा है, नीला है, जैसा रंग है वैसा ही रंग मेरे शरीर के अंदर, नीलिमा आ गई है पूरे शरीर में अंदर इस नदी के साथ, ये हरितमा आ गई है मेरे अंदर इस नदी के साथ, बह रही है ये नीलिमा, ये हरितमा मेरे शरीर के अंदर बह रही है, और मैं उसे
बहने दे रहा हूं, मैं उसके साथ ही वह अपने शरीर के अंदर बह रहा हूं। पहले नदी में बह रहा था, अब मैं अपने अंदर बह रहा हूं। अब मैं उस आनंद को महसूस कर रहा हूं, अपने अंदर बह रहा हूं, इस नदी के साथ शरीर के रोम रोम तक की यात्रा कर रहा हूं, इस नीलिमा के साथ, इस हरितमा के साथ, इस ऊर्जा के साथ अंदर। अब मैं इस नदी को अपने अंदर महसूस कर रहा हूं और उसको बह रहा हूं, मेरी रग रग में वो नदी बह रही है। नील वर्ण, हरित वर्ण, जो भी सामने आपने स्वरूप देखा, उसके साथ अब बहना है अंदर, बह जाएं आनंद में। कोई और भाव ही नहीं, केवल आप और नदी का ये जल, ये नील वर्ण, ये हरित वर्ण, आनंद से सराबोर हो जाइए, इसका आनंद लीजिए, इसकी शीतलता, इसकी शक्ति। जड़ी बूटियों से युक्त ये नदी, ये जल मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है, मेरे शरीर के सारे विकारों को दूर कर देगी। संजीवनी से युक्त है ये नदी, ये जल की धार जो मेरे शरीर के अंदर बह रही है, रग रग में मैं महसूस कर रहा हूँ। इस नदी के बहाव को, उस जल धारा को, उसके नील वर्ण को, उसके हरित वर्ण को, ये हरितमा, हरित वर्ण प्रकृति का रूप है, रंग है, मिश्रित रंग है, और ये नील वर्ण आदि शिव का स्वरूप है जो मेरे अंदर है। अब मेरे रग रग में, रोम रोम में ये नदी बह रही है, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है, मेरे शरीर का हर सेल शक्ति से भरपूर हो गया है, भर गया है। 5 मिनट तक इस नदी को अपने शरीर के अंदर बहने दें, आनंद होकर उसको महसूस करें, अपने अंदर जाएं, देखें शरीर के रग रग में वो आनंद की लहरें उठ रही हैं, ये बाहर की लहरें अब मेरे शरीर के अंदर उठ रही हैं, और इस नदी के साथ ये नाद भी मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, ये नाद ब्रह्म मेरे शरीर में, संगीत के स्वर मेरे शरीर के अंदर बज रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं। मेरा रोम रोम ध्वनिमय हो गया, संगीतमय हो गया, नदी के साथ नाद ब्रह्म मेरे शरीर के अंदर। अब मैं उस नाद को अपने अंदर, अपने हृदय के मध्य में महसूस कर रहा हूं, और उसकी ध्वनि पूरे शरीर में, रोम रोम में उसका विकिरण हो रहा है, सेल सेल उस नाद ब्रह्म से गूंज रहा है, एक गुंजन हो रहा है पूरे शरीर में, और मैं आनंद में हूं। मुझे लग रहा है बैठा रहूं, उस आनंद को महसूस करता रहूं, उस नाद ब्रह्म को महसूस करता रहूं, इस शरीर के कण कण में उस नदी की जो प्रवाह है, उस प्रवाह को महसूस करता रहूं। ब्रह्म यहां, जलधारा यहां से प्रवाहित हो रही है पूरे शरीर में,
यहां से गूंज प्रवाहित हो रही है पूरे शरीर में। मैं तो शांत भाव से बैठा हूं, लेकिन मेरा वो जो होनापन है, जो दृष्टापन है, वो इस आनंद को महसूस कर रहा है। शरीर तो ऐसे ही बैठा है, आसन में बैठे हों, कुर्सी पर बैठे हों, लेटे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर सुन्न हो गया, होने दें। गिर गया शरीर, गिरने दें। पैर को सुन्नता आ गई है, फैला दें, फैलाने दें। आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए। जो भय एक्सेप्ट करें, आत्मसात करें। पैर में तनाव आ गया है, पैर फैल गया है, पैर खुल गया है, खुलने दें। पैरों में हलचल हो रही है, होने दें। वो हलचल पैरों में हो रही है, आपके आनंद में कमी नहीं आ रही है। सुन्नता आपके शरीर में आ गई है, आपके आनंद में कमी नहीं आ रही है। आप तो बस अपने अंदर नदी के उस बहाव को महसूस कर रहे हैं, नदी के उस बहनेपन को महसूस कर रहे हैं, उस नाद ब्रह्म को अपने अंदर से जो विस्फोट हो रहा है। सुने ये शरीर, ये बाहर का नाद, सुने लहरों का, आत्मसात कर ले। अब ये आपके शरीर के अंदर कर रहा है। इसी भाव में खो जाएं, डूब जाएं। कोई क्रिया नहीं हो रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो केवल भाव में लय हो गए हैं, आत्मसात कर लिया, लीन हो गए हैं आप। शरीर और आप अलग हो गए हैं। शरीर जैसा है वैसा है, बैठा है बैठा है, सुन्न है सुन्न है। गर्दन टेढ़ी हो गई है, हो गई है, झुक गई है, झुक जाने दो। जो हो रहा है होने दो। प्रभु ने जैसा जीवन दिया है उसको स्वीकार कर लो। अपने उस आनंद में रहना है, वो जो शाश्वत आनंद है। डूब जाना है अब शरीर के अंदर, उस प्रवाह में डूब जाना है, नाद ब्रह्म में खो जाना है। अब मैं अपने चारों तरफ एक प्रकाश को महसूस कर रहा हूं। बाहर चारों तरफ ये सूर्य का प्रकाश, ये चंद्रमा का प्रकाश, ये तेज, सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ रहा है और उसकी परावर्तित किरणों को मैं अपने चारों ओर महसूस कर रहा हूं। अब मैं प्रकाशमय हो रहा हूं चारों तरफ। अब मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। रात्रि में बैठे हैं तो चंद्रमा का प्रकाश, इस पृथ्वी का परावर्तित प्रकाश। अब ये प्रकाश मेरे शरीर के अंदर जा रहा है। अब मेरा शरीर प्रकाशमय हो गया है, रोशनी से आच्छादित हो गया है। अब वो मेरे शरीर के अंदर वो प्रकाश जा रहा है और वो प्रकाश मेरे यहाँ जो शून्य आकाश है मध्यमय हृदय के, जहां अंधकार है, खाली है, शून्य आकाश है, अब वो इस प्रकाश से भर रहा है। अब वो प्रकाश मुझे उस अंदर ले जा रहा है, उस सुरंग में, उस बिंदु के अंदर ले जा रहा है। मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय है चारों तरफ से। अब वो प्रकाश मेरे अंदर जा रहा है।
मेरी आंखों के माध्यम से, मेरी सांस के माध्यम से, इस शरीर के रोम रोम से जल का प्रवाह भी तेज हो रहा है, लेकिन ये प्रकाश का प्रवाह हम अपने अंदर महसूस करना है। अब मेरा पूरा शरीर प्रकाश में, ये सब भाव आ रहे हैं, शरीर कुछ नहीं कर रहा है। अब ये शरीर के अंदर प्रकाश मैं हो गया है, शरीर के अंदर प्रकाश, कण कण में प्रकाश, मेरे हृदय आकाश प्रकाशित हो गया है। उस अंधकार के पीछे जो प्रकाश की जो किरण है वो इस प्रकाश से समाहित हो गई है, अब वो प्रकाश मेरे अंदर से बाहर आने लगा है। अभी ये चारों तरफ से ये प्रकाश मेरे शरीर के अंदर जा रहा था, मैं प्रकाशमय हो गया, मैं रोशन हो गया, मेरे शरीर का रोम रोम तेजोमय हो गया, रोशन हो गया, प्रकाशमय हो गया। और ये प्रकाश मेरे इन इंद्रियों से, इन द्वारों से अंदर आ रहा है, मेरे रोम रोम से अंदर आ रहा है, और मेरे जो यहाँ शून्य आकाश है, हृदयाकाश है, उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। वहाँ एक ज्योति है, क्यों अब मैं उसके माध्यम से अंदर जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ उस अंधकार के पीछे एक और प्रकाश की किरण है। अब वो प्रकाश की किरण इस प्रकाश से लय होके बाहर आ रही है। अब मेरे शरीर के अंदर उस जीवन ऊर्जा की जो किरणें हैं वो प्रवाहित हो रही हैं। अंदर से शरीर का प्रकाश, अंदर से वो ज्योति, वो किरण अब बाहर आ रही है। मेरे रोम रोम को उसने तेजोमय कर दिया, प्रकाशित कर दिया। मेरे शरीर में चारों ओर बाहर भी प्रकाश है, अंदर भी प्रकाश है। अब मैं प्रकाशमय हूँ, अब मैं उस शरीर के सुरंग के अंदर बैठा महसूस कर रहा हूँ। चारों तरफ प्रकाश है, अंदर भी प्रकाश, बाहर भी प्रकाश, तेजोमय हो गया है शरीर। इसी तेजोमय शरीर को अंदर और बाहर महसूस करते हुए लय हो जाए। अब ये शरीर शरीर नहीं है, प्रकाश पुंज है, बाहर भी प्रकाश, अंदर भी प्रकाश, सेल सेल प्रकाशित, रोम रोम में प्रकाश, सारी शक्तियां समाहित हो गई हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी का परावर्तन, अब उस परम आनंद को महसूस करें। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है अब परमात्मा कर रहा है। परमात्मा ने वर्षा कर दी है उस किरण की, ऊर्जा की, तेज की, प्रकाश की, मेरे शरीर के रोम रोम में वो बारिश हो रही है प्रकाश की। और मेरे अंतर मन में जो प्रकाश है वो उसको परावर्तित करके बाहर भेज दे रहा है। प्रकाश की, तेज की, परमात्मा की बारिश को महसूस करें। ये अमृत वर्षा हो रही है और हमारे इस रोम रोम से वो अमृत वर्षा अंदर जा रही है, और जो हमारे अंदर है जो उससे मिलकर एक रूप हो रही है। आत्मा का वो कण इस प्रकाश पुंज से लय हो जा रहा है। अब मैं परमात्मा में विलीन हो रहा हूं। प्रकाश पुंज, वो पावर हाउस मेरे चारों ओर आ गया है, उस तीन लोक से हम तक आ गया है, हमारे चारों ओर आ गया। और अंदर जो प्रकाश की किरण है उससे एक रूप हो गया है, लाइट का स्विच ऑन हो गया,
अब उस आनंद को महसूस करें, आत्मसात कर लें, अब आप परमात्मा हो गए, आत्म तत्व परमात्म तत्व में विलीन होने जा रहा है, एकाकार हो रहा है। आनंद में कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विकार नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस आनंद ही आनंद है। हमारे अंदर जो आनंद का महासागर है, ये जो जल, ये नदी जो हमारे अंदर समुद्र की तरह समाहित हो गई है, उस महासागर में जाकर मिल गई है ये नदी, ये जल, ये लहरें हमारे शरीर के अंदर उस महासागर में विलीन हो गई हैं, और अब ये प्रकाश पूरे शरीर के रोम रोम में डूब जाएं, हो जाएं। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अब जो घट रहा है घटने दें, जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है होने दें, शोर बहार हो रहा है होने दें, नदी बह रही है बहने दें, मेरे आसपास जो है जैसा है उस रूप में मैंने उसको अपने आप के साथ कर लिया है। प्रभु ने जैसा जीवन दिया है, जो दिया है, जो स्थितियां परिस्थितियां दी हैं, मैंने सबको स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो कोई विरोध ही नहीं, कोई तनाव ही नहीं, कोई प्रतिकार ही नहीं, तब उस आनंद में कोई कमी नहीं, उस आनंद के महासागर में डूब जाएं। और उसमें रहते हुए अब ये शरीर जो कार्य कर रहा है करने में, अब ये सब शरीर कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, आप तो उस आनंद में रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप आनंदमय हो गए हैं। अब जो करेगा शरीर करेगा, अब शरीर में जो होगा शरीर करेगा, शरीर अपने भोग पूरे करेगा, आप तो उस आनंद में, उस प्रकाश में, उसमें हो गए हैं अपने अंदर। अब जो शरीर करे करने दें, उसका भी कोई प्रतिकार नहीं, कोई विरोध नहीं, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया है चारों तरफ की स्थितियों को, परिस्थितियों को। जब मैंने स्वीकार कर लिया है तो ये शरीर जो उनके साथ जो शरीर करे करे, मैं तो परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया, मैं उस आनंद के महासागर में स्थित हो गया। शरीर सुन्न हो गया है, पैर में दर्द हो रहा है, होने दें, पैर खुल जा रहे हैं, खुलने दें, ये पैर सीधे हो गए हैं, हो जाने दें, मेरे आनंद में कोई कमी नहीं है। एक घंटा रोज ये अभ्यास करना है, सोते समय करें ये अभ्यास, आधा घंटा सुबह उठ के करें, और सोते सोते समय यही अभ्यास करते हुए, इसी भाव में रहते हुए, पहले शव बनना है, फिर नदी के साथ बहना है, फिर इस सब को आत्मसात कर लेना है, और उस अपने अंदर इस नदी को अपने अंदर बहने देना है, इस जल को अपने अंदर बहने देना है, इस ऊर्जा को अपने अंदर बहने देना है। ये जो नदी हिमालय से संजीवनी लेते हुए आई है, उस संजीवनी को अपने अंदर महसूस होने देना है, इसकी नीलिमा नील वर्ण को, इसके हरित वर्ण को अपने अंदर महसूस होते देखना है। उसके बाद प्रकाश को, मेरे चारों तरफ पहले प्रकाश प्रकाश आ रहा है,
वो सूर्य का प्रकाश हम तक आ रहा है। उस परब्रह्म परमात्मा जो प्रकाशित निराकार है वो पृथ्वी से परावर्तित होकर वो चारों तरफ मेरे आच्छादित हो गया है। अब मैं प्रकाशमय हो गया हूँ, प्रकाश मेरे अंदर जा रहा है और मेरे अंदर जो खालीपन है, मेरे अंदर जो प्यास है, पहले प्यास बढ़ाना होगा ना, अब मेरे अंदर जो प्यास है, मेरे अंदर जो खालीपन है, उसमें वो प्रकाश जा रहा है और मैं भी उसके साथ यात्रा कर रहा हूँ। अपने हृदयाकाश में, अपने शून्याकाश में यात्रा कर रहा हूँ उस सुरंग में, और वो सुरंग अंदर जाते जाते प्रकाश के साथ जा रहा हूँ। अब वो अंधकार नहीं है, प्रकाशित हो गई है पूरी सुरंग। अंदर जाके देख रहा हूँ, वहाँ तो प्रकाश पुंज है, परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश है। अब मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से मुझे आना है, जहाँ से मुझे जाना है। इस शरीर को भी तो वहीं जाना है। ये शरीर आत्मा वो तत्व वो जब ये शरीर को छोड़ देती है तो वो सुरंग में ही तो जाती है, वो रोशन होके जाती है, मार्ग दिखाती है, उस सुरंग की यात्रा तय करके जब वो सुरंग के मुहाने पर पहुंचती है तो वो देखती है एक प्रकाश, विशाल निराकार, कोई प्रकाश ही प्रकाश। अब वही तो मैं इस जीवन में अगर उसको अनुभव कर लो, वो आनंद और ये परम आनंद एक हो जाएगा। फिर ये शरीर के भोग हैं होने दीजिए, शरीर के जो कार्य हैं करने दीजिए। आप उस सुरंग में, उस शून्य आकाश में इस प्रकाश को लेकर जब प्रवेश कर रहे हैं और भाव से जा रहे हैं, और अंदर जो प्रकाश का जो पुंज है, ब्रह्मांड का जो प्रकाश है, उसमें लय हो जा रहे हैं। और लय होने के बाद खो जाइए, भूल जाइए, बैठ जाइए। अब कोई समय की सीमा नहीं, अब उस आनंद में डूबे रहिए जब तक डूब सके। चले जाइए ध्यान में। अब जो घट रहा है घटने दीजिए, आप तो उस आनंद में बस रहे। अब आप उस अंदर चले गए हैं उस यात्रा में, अब सुरंग के अंदर हृदयाकाश में, शून्याकाश के अंदर अब आप विराजित हो गए हैं। बस वहीं खो जाइए। अब ध्यान घट रहा है, अब घटने दें, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अब जो जैसा घट रहा है घटने दें। आनंदमय हो जाइए। अब जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, प्रकृति अब आपका साथ देगी, बाबा जी आपका साथ देंगे, परम पिता परमात्मा आपका साथ देगा, क्योंकि आप उसके स्वरूप में स्थित हो गए हैं। सुबह उठ के करिए, आधे घंटे शाम को सोते समय करें, पलंग पर बैठ के करें, लेट के करें, करते 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 उस आनंद में ही सो जाएं। बाकी क्रियाएं तो प्रारंभिक क्रियाएं थी जो पहले बताई थी, श्वास की प्रक्रिया वो सब तो पहले बताई थी। अब ये करते हुए, इस आनंद में डूबते हुए, इसी भाव में रहते हुए, उसी प्रकाश में करते हुए, और बस पता ही नहीं चले आपको कि आप ध्यान में हैं या आप निद्रा में उस आगोश में चले गए। लेटे लेटे करें, बैठ के करें, बैठ के नहीं हो रहा आनंद आ रहा, लेट के करना, लेट के करें, बेड पर लेट जाए, लेटते करते करते इस आनंद में खो जाए, इस पूरी प्रक्रिया को लेटते लेटते महसूस करें,
शव बनने की प्रक्रिया से, नदी के साथ बहने की प्रक्रिया से, और उसके बाद इस पूरी ऊर्जा को महसूस करने की प्रक्रिया से, उसके बाद इस प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की प्रक्रिया से, और उसके बाद इस हृदयाकाश में, शून्याकाश में अंदर जाने की प्रक्रिया के बाद अब ध्यान में उतर गए हो। अब जो घट रहा है घटने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, जो शरीर कर रहा है करने दीजिए। अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं, और करते करते ही सो जाइए। और ऐसे में जब आपको नींद आ जाएगी तो रात में आपकी रग रग ऊर्जावान हो जाएगा, शरीर का सेल ऊर्जावान हो जाएगा, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर की कुछ दिनों बाद दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इस पूरी प्रक्रिया को एक बार देख लें, समझ लें। मुझे नहीं पता कैमरा दूर है, आप तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज बारिश की संभावना थी बैठते ही, इसलिए कैमरे को एक ऐसे स्थान पर रख दिया था कि बारिश आए तो आए, बाबा जी कृपा करें। आज बाबा जी से कहा था, बाबा जी चलो सत्संग नहीं करना है, आज तो इतनी बात भी कर ली, आगे से अगर कभी आपको बुलाएं मौन में बैठने के लिए, इतनी बातें भी नहीं, बस प्रक्रिया आपने समझ ली, अब उसको करना है, बैठना है। मैं तो यहां बैठता हूं आकर, कभी आपको भी बुला लूंगा बैठने के लिए, मुझे तो बैठना ही होता है, मैं तो 3 बजे बैठ जाता हूं, तो 4 बजे आपको बुलाता था, मैं तो 3 बजे आकर बैठ जाता हूं यहां, 1 घंटे बैठने के बाद फिर आपसे सत्संग करता था। अभी सत्संग नहीं करना है, आज तो मैंने अपने साथ इस मौन होने की, मौन रहकर ध्यान करने की प्रक्रिया बताई है। मैं तो 3 बजे आके यहां किसी भी पत्थर पर बैठ जाता हूं, उस आनंद में रहना है, सोते समय करें और सोते सोते उसी में सो जाएं, लेकिन इसी प्रक्रिया से करें। मुझे नहीं पता अब तक आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची, तो मैं कमरे पे जाने के बाद देखूंगा कि आवाज आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर पहुंची है एक बार इसको दोबारा देख लेना, एक बार सुबह इसका अभ्यास कर लेना, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर रात में सोते समय इसका पुनर्अभ्यास करना, और बार बार अभ्यास करते 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 आप अपने अंदर उसमें चले जाएंगे, उस आनंद में। ध्यान करना है, मंत्र करना है, कहाँ जाना है, किसको ढूंढना है, कुछ नहीं करना है, इस प्रक्रिया को करना है, क्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया है ध्यान में जाने की। और उसके बाद अंदर जब चले जाएं, महसूस ही तो करना है, भाव ही तो करना है, भाव से जब ये पूरे प्रकाश को अपने अंदर ले गए, अंतर मन प्रकाशित हो गया, ये जो शून्य आकाश है जिसके लिए प्रक्रिया बताई थी उसके अंदर चले गए, ध्यान क्या है, उस अवस्था में जाना है जहां से हम आए हैं और जहां अंत में जाना है। जब अंत में जाते हैं ये शरीर शव बन जाता है यहीं, और जो कारण शरीर है ना, इसको देखते हुए वो सूक्ष्म अपनी यात्रा पर जाता है, एक सुरंग से होते हुए उस अंधकार में, वो जो सूक्ष्म है हमारा, वो हमें रोशनी दिखाता हुआ ले जाता है, उस सुरंग से जब बाहर निकालता है तो वो प्रकाश पुंज और आना कहाँ से होता है, वहीं से हमें आना होता है, तब ये शरीर मिलता है गर्भ में,
और वही प्रकाश की कण अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए फिर उसी सुरंग से आके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। अभी ये पूरा सुरंग अंदर है, वो प्रकाश पुंज भी अंदर है, कण है, वो जुड़ा हुआ है। भाव आते ही पूरे प्रकाश पुंज से यहां आ जाएंगे, वो सुरंग से यात्रा कर लेंगे, जहां जाना है, इस शरीर को छोड़कर जहां जाना है, उस यात्रा को जीते जी कर लीजिए, उस यात्रा उसमें रम जाइए, उस प्रकाश पुंज में रम जाइए, उस सुरंग की यात्रा तय कर लीजिए। जल बहुत ज्यादा बढ़ गया है प्रभु जी, देखिए सब, और ये मुझे संकेत दे रहे हैं बाबा जी, मैं तो बाबा जी को लेकर आया था, अभी जो ये आया, अब आपसे बातें कर रहा हूं। ऐसा लगा कुछ हुआ, कोई झटका लगा, संकेत है, बस हो गया, बहुत हो गया आज का सत्संग, बहुत हो गया। अब इसको एक बार देख लेंगे, अगर आप तक आवाज जा रही है तो इसको एक बार दोबारा देख लेना आप। और मैं तो 3 बजे आके बैठता हूँ, कभी मन होता है कि लाओ 3 बजे कैमरा ऑन कर दूं, लेकिन लगता है कि विश्राम कर रहे होंगे लोग, सब कर रहे होंगे, सत्संग तो करना नहीं है, मैं तो आके मौन बैठता हूँ। आज तो प्रक्रिया समझाने के लिए इतनी बात कर ली, कभी मन हुआ तो 3 बजे कैमरा ऑन कर देंगे, मैं बैठा होऊंगा और आप बस मौन में मेरे साथ बैठ रहा। आज मैंने आपका आह्वान किया था कि आप लोग आके मेरे साथ मौन बैठे, फिर मुझे लगा कि मौन बैठ के करेंगे क्या, क्या ध्यान करेंगे, मौन विचार आएंगे आपके, विकार आएंगे, इसलिए बाबा जी ने आज पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी, कि मैंने कुछ नहीं बताया, ये सब बाबा जी ने बताया है आपको, इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेना जो बाबा जी ने बताई है। और 3 बजे अगर कुछ लोग जो चाहते हो आना बैठना, जो चाहते हो कि 3 बजे मौन में बैठे, तो देखेंगे, अगर बाबा जी कहेंगे तो कैमरा ऑन कर देंगे, नहीं तो अपने अपने घरों में बैठना, सुबह आधा घंटे बैठना, और सोते समय तो कोई नियम ही नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे तो नींद नहीं आती 2 बजे तक, 3 बजे तक नींद नहीं आती, इसी भाव में रहो, इसी ध्यान में रहो, कब वो अंदर का घट जाए, कब वो परावर्तित प्रकाश कर दे, कब वो आपके यहां पर झकझोर दे, कब आपको जगा दे, कब ध्यान घट जाए, रहे, नींद नहीं आती, इसी भाव में रहे, ठीक है, क्या करना है नींद को, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही आनंद में रहना है, ये आनंद ही ऊर्जा देगा, ये आनंद ही प्रकाश देगा, ये आनंद ही जीवन को, जो नींद में जो शक्ति मिलती है, ये ध्यान का आनंद देगा।